जय हिंद साथियों, मैं अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, आप सब बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, बहुत दिनों से जो है सो कमेंट में बता रहे थे कि जो भैया एक बार आप जो है सो बरहाड़ा हॉल्ट का अपडेट दीजिए। सो फाइनली मैं इस वक्त बरहाड़ा हॉल्ट पर ही हूँ और यहाँ किस तरीका से कितना वर्क हुआ है सभी जानकारी आप सब इस वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। जो कि ये जो है सो हॉल्ट, अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं बता दूँ तो झंझारपुर लौखा रेलखंड के बीच अंदरा ठाढ़ी स्टेशन और सरदार वल्लभ पटेल हॉल्ट यानी कि खोटौना स्टेशन के बीच पड़ता है ये हॉल्ट, जिसका नाम बरहाड़ा हॉल्ट रखा गया है। हालांकि पहले भी बरहाड़ा हॉल्ट ही था और नया नया में इसका जो है सो तोड़ कर निर्माण किया गया था, तो अब भी जो है सो बरहाड़ा हॉल्ट ही रखा गया है, ना कि इसका स्टेशन जो है सो नहीं रहेगा, हॉल्ट ही रहेगा ये भी। जो कि देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का काम पूरा कम्प्लीट है और कहीं कहीं जो है सो देख सकते हैं गड्ढा बनाया गया है, तो इस गड्ढे में जो है सो खंभा दिया जाएगा जो कि लोहे का खंभा होगा, जिसके ऊपर से जो है सो छत दिया जाता है एलिवेटर का, जहां पर जो है सो बैठने के लिए व्यवस्था यानी कि कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप सब चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों के पास ये जानकारी पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी जरूर लिख के बताइएगा। जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोर्ड का नामकरण हुआ भी कर दिया गया है और इससे आगे देख सकते हैं जो कि हर एक जगह जो है सो ब्लास्ट भी गिरा ही दिए गए हैं, जो कि लौकहा तक भी गिराए गए हैं, तीन तीन बार ब्लास्ट गिराए गए हैं मालगाड़ी ट्रेन से। अब जो है सो फिलहाल लगता है ब्लास्ट का काम जो है सो पूरा फिनिश हो ही चुका है और ट्रेन भी बहुत जल्द ही चालू होने जा रहा है, क्योंकि अब काम फिनिश हो चुका है। बस लौकहा में थोड़ा बहुत काम रह चुका है जो कि पटरी को सीधा करना है, और सही सीधा करने के बाद यहाँ वहाँ पर लौकहा में क्योंकि ट्रिपल लाइनिंग है तो ट्रिपल लाइनिंग को पहले सही किया जाएगा। डबल लाइनिंग तो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, बस एक लाइनिंग और रह चुका है तो उसको भी कम्प्लीट किया जाएगा। इसके बाद ही जो है सो ट्रेन इस रूट में दिया जाएगा पैसेंजर ट्रेन। हालांकि जिस तरीका से पहले चलता था वो तो छोटी लाइन पर चलता था, अब बड़ी लाइन बीत चुका है तो बड़ी लाइन पर चलेगा और जो है सो बड़ी लाइन पर चलेगा, लेकिन जो टाइम टेबल पहले था लगता है वही टाइम टेबल अब की बार भी रहेगा। अगर कोई जानकारी आती है इन सब के बारे में या कब से ट्रेन चालू होगा तो मैं आप सबको जो है सो ये भी बताने का जल्द से जल्द सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्रयास करूँगा आप सबको बताने का, तो आप सब मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। और जो है सो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, उस कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखकर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद जय भारत।